हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 60 सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन 61 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, DICGS किसके लिए नहीं है। वहां पे कई ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको एक चूज करना है। इसका आंसर होगा हमारा ओवरड्यू अकाउंट के लिए। DICGS किसके लिए नहीं है, ओवरड्यू अकाउंट के लिए। क्वेश्चन 62, निम्न में से कौन लो रिस्क कैटेगरी में नहीं आता। NRI। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSA में अमाउंट किसके मल्टीपल में डिपॉजिट कर सकते हैं। SSA में हम 100 के मल्टीपल में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। SSA में मिनिमम कितनी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, PNB टैक्स शील्ड FD में कितने टाइम के लिए खोल सकते हैं। PNB टैक्स शील्ड FD हम 5 साल के लिए खोल सकते हैं, लेकिन इसमें ऑटो रिन्यूअल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओवरड्राफ्ट इन प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना में कितने का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, 10,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, FD प्रिंट करने का मेन्यू ऑप्शन क्या होता है। HDRP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितनी अमाउंट का DD हम कैश में बना सकते हैं। आंसर होगा लेस देन 50,000। 50,000 से कम तक का DD हम कैश में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPF में 1 साल में मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितनी कर सकते हैं। 12 मीन्स PPF में हम 1 साल में 12 बार डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कब शुरू हुई थी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जो हमारी 2004 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अकाउंट में पैन लिंक न हो तो TDS कितना कटता है। ये होगा हमारा 20%। अगर पैन लिंक है तो कटता है हमारा 10%। वैसे TDS हमारा कब कटता है, जब अकाउंट में डिपॉजिट का इंटरेस्ट हमें 40,000 से ज़्यादा मिलता है, तब हमारा TDS कटता है। इस TDS कटने से बचने के लिए सीनियर सिटीजन को फॉर्म 15G डिपॉजिट करना होता है और लेस देन 60 एज को 15H जमा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिपॉजिट अमाउंट इंश्योर्ड बाय DICGC। DICGS में इंश्योर्ड अमाउंट होती है 5 लाख, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, STR की फुल फॉर्म होती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI कितने तक का नोट इशू कर सकती है। यह हमारा 10,000। RBI 10,000 तक का नोट इशू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए कौन सा मेन्यू यूज होता है। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए CC Pay मेन्यू यूज होता है, CC PAY। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DD कैंसिल करने के लिए कौन सा मेन्यू यूज होता है। HDDC। क्वेश्चन 76, UIDAI की फुल फॉर्म क्या है। उन्होंने कुछ ऐसा पूछा था, D4, निम्न में से D4 क्या होता है। UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PNB सुविधा कार्ड की अधिकतम लिमिट कितनी है। PNB सुविधा कार्ड की अधिकतम लिमिट है 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीएनबी बेस्ट कस्टमर जो बैंक के साथ 3 वर्ष से लेन देन कर रहा है। इसमें जिस कस्टमर का अकाउंट बैंक के साथ 3 साल से चल रहा है और वो मंथ में कम से कम 5 ट्रांजैक्शन कर रहा है, उस कस्टमर के अकाउंट को पीएनबी बेस्ट कस्टमर स्कीम में चेंज कर दिया जाता है। वहाँ क्वेश्चन था कि कितने साल बैंक के साथ लेन देन होना चाहिए, आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसबीडीए में अकाउंट में कस्टमर को कितने पेज की चेकबुक निःशुल्क दे सकते हैं, आंसर होगा 10 पेज। बीएसबीडीए अकाउंट में कस्टमर को 10 पेज की चेकबुक निःशुल्क मिलती है 1 साल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 लाख की कैश रेमिटेंस में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, इसके लिए कंपलसरी है 1 क्लर्क एंड 1 ऑफिसर। 20 लाख का कैश रेमिटेंस में 1 क्लर्क एंड 1 ऑफिसर। तो ये थे हमारे 2021 का क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने आपको 80 कंप्लीट करवा दिए हैं। अब एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए जिसका आंसर आप कमेंट में देंगे, कितने तक की एफडी का पेमेंट हम कैश में कर सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। थैंक यू।